ईश्वर के द्वारा बनाई गई ये दुनिया ना जाने कितने रहस्यों से भरी पड़ी है। ना जाने ऐसे कितने स्थान हैं जिनके रहस्यों के बारे में जानकर हमें विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सच में सत्य हैं? ऐसे ही रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, जिसके रहस्य को आज तक कोई भी इंसान सुलझा नहीं पाया है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। दक्षिण अफ्रीका देश के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। इसी दक्षिण अफ्रीका देश में एक झील है जिसका नाम है फुंदूजी झील। ये झील बहुत ही रहस्यमयी है और इस झील को श्रापित माना जाता है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक कोड़ी व्यक्ति घूमते घूमते इस झील के पास आया और उसने स्थानीय आदिवासी लोगों से खाना पीना और वहाँ रहने का आश्रय मांगा, परंतु किसी भी व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं की और वो व्यक्ति कई दिनों और महीनों तक ऐसे ही उस झील के किनारे पड़ा रहा और अंत में जब वो व्यक्ति भूख प्यास से तंग होकर मृत्यु के करीब पहुंच गया तो उसने उन लोगों को श्राप दिया कि जो कोई भी इस झील का पानी पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यह कहकर वो झील में घुस गया और गायब हो गया। इसके बाद से इस झील में अजीबोगरीब घटनाएं देखने और सुनने को मिलती रही हैं। वैसे तो इस झील का पानी देखने में पूरी तरह साफ नजर आता है, परंतु साफ होने के बावजूद कोई भी इसे पीने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं इस झील का पानी पीने के बाद कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचता है। इतना ही नहीं, इस झील के आसपास आते ही लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। साल 1946 में इस झील के पानी की सच्चाई पता लगाने के लिए एंडी लेविन नामक एक व्यक्ति आया था। उस व्यक्ति ने परीक्षण के लिए इस झील का पानी और वहीं आसपास लगे कुछ पौधों को एकत्रित किया और वहां से चलने लगा, परंतु कुछ दूर जाते ही वो रास्ता भटक गया और काफी देर भटकते रहने के बाद अंत में थक हार के उसने झील के पानी और पौधों को फेंक दिया। तब जाकर कहीं उसे सही रास्ता दिखाई दिया। हालांकि एक हफ्ते बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इसी घटना के बाद से सभी स्थानीय लोग पुख्ता तौर पर इस झील को श्रापित मानने लगे। कहा तो यह भी जाता है इस झील से मरे हुए व्यक्तियों की रोने की आवाजें आती हैं, जानवरों और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। इस झील का निर्माण भूस्खलन के कारण हुआ था। भूस्खलन के कारण इस झील से कुछ दूर पर बहने वाली मुटाली नामक नदी का बहाव रुक गया और इस झील का निर्माण हुआ। स्थानीय आदिवासी लोगों के अनुसार इस झील की रक्षा पहाड़ों पर रहने वाला एक विशाल अजगर सर्प करता है और लोगों पर कोई विपदा ना आए इसलिए स्थानीय वेंदा आदिवासी इस अजगर सर्प को प्रसन्न करने के लिए हर साल एक नृत्य उत्सव का आयोजन करते हैं जिसमें कुंवारी लड़कियां नृत्य करती हैं। आदिवासी लोग इस झील की रक्षा करने वाले अजगर सर्प को इस झील का स्वामी मानते हैं और इस सर्प को उर्वरा का देवता भी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना यह भी है इस झील में कोई खतरनाक जहरीली गैस मिली हो सकती है जिसकी वजह से इस झील का पानी विषैला है, परंतु आज तक इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।